हमारे गांव से एक मोटरसाइकिल रोज़ वो सुबह सुबह हमारे पास लेकर आते हैं और उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, और जब मैं उसे चेक करता हूँ तो पता चलता है कि उसकी स्पार्क प्लग शॉर्ट कर गई है। और वो स्पार्क प्लग रोज़ आखिर सुबह सुबह स्पार्क प्लग काम नहीं करता, आखिर क्यों, क्या दिक्कत हो गई उसकी गाड़ी में, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, रोज़ आखिर क्यों ख़राब होगी। अगर गाड़ी धुआं मार रही है, कुछ भी हो रही है, तो वो स्पार्क प्लग जल्दी नहीं ख़राब होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर क्या बात है, क्या दिक्कत है उस गाड़ियों में जो स्पार्क प्लग ख़राब हो रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये स्पार्क प्लग है और ये है बोश कंपनी का, ये ओरिजिनल स्पार्क प्लग है। ठीक है, ऐसे कई सारे कारण मैं आपको बताऊँगा स्पार्क प्लग ख़राब होने का, और आप इस वीडियो की मदद से पूरी तरीके से आप सीख पाएंगे कि स्पार्क प्लग ख़राब होने का क्या कारण होता है और उसको सही कैसे करना है। अगर ख़राब हो जाती है ये प्लग तो आपको सही कैसे करना है वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि ये जो स्पार्क प्लग होता है, हम पहले ये जान लेते हैं कि स्पार्क प्लग अगर ख़राब होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्पार्क प्लग ख़राब है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। जब हम इस यहाँ पे हम प्लग के होल्डर को लगाते हैं, इस जगह प्लग के होल्डर को हम लगाते हैं, स्पार्क प्लग को चेक करने के लिए हमें इस स्पार्क प्लग को होल्डर में लगाना होता है, और जब हम होल्डर में लगाते हैं तो इस प्लग को हम बॉडी में टच करते हैं। ये जैसे कि इंजन का बॉडी है तो बॉडी में हम कुछ इस प्रकार हम टच करके रखेंगे, और हमें इसके मुंह को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, और फिर हमें देखना होता है कि इसका जो करंट है वो किस तरीके से दे रही है। अगर ये ब्लैक वाला बीच में जो आप देख पा रहे हैं, ये बीच वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, अगर ये बीच वाला पार्ट इससे होकर अगर ऊपर की ओर जाती है, अब मैं आपको सामने से दिखा दूँ, अगर यहाँ से होकर ऊपर अगर जाती है करंट तो वो स्पार्क प्लग बिल्कुल सही है। अगर यहाँ से होकर अगर ये नीचे इसमें अगर शॉर्ट कर जाता है, इस बीच में से करंट अगर ये चारों तरफ दौड़ता है, इधर आता है कभी उधर आता है, तो ये स्पार्क प्लग ख़त्म हो गई, काम करना बंद कर दिया ये। लेकिन ये पूरी तरीके से शॉर्ट नहीं हुआ है, ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, इसको हम सही कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पार्क प्लग एक ख़राब क्यों होती है। दोस्तों जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी जो गाड़ियाँ होती है, अभी पेट्रोल इंजन आ रही है और फोर स्ट्रोक इंजन होती है, इसके साथ अगर पेट्रोल के साथ अगर हम मोबिलियर को यूज़ करेंगे तो वहाँ से क्या होता है कि हम जैसे पहले की जो टू स्ट्रोक बाइक आती थी उसमें मोबिलियर यूज होता था, और उसके जरिए से इसके यहाँ पर धुआं बनती थी और हमें बार बार प्लग को साफ़ करना होता था। इसी तरीके से इसमें फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जब अगर आपकी गाड़ी धुआँ मारने लगेगी, इंजन का रिंग पिस्टन अगर डाउन कर जाता है, तो इंजन से मोबिलियर वो आके डायरेक्ट क्या होता है यहाँ पे हेड में आता है, और हेड में आके ये प्लग से भी मिल जाता है, और पेट्रोल के जरिए से भीगने के बाद ये प्लग में आके मिल जाता है और इस प्लग को गीला कर देता है। इसके और भी तरीके बताऊँगा इसके बाद, और भी बताऊँगा प्लग शॉर्ट होने के कारण, ये नहीं कि सिर्फ इसी की वजह से होता है। यहाँ पे आके मोबिलियर भर जाती है, थोड़ा बहुत गीला हो जाता है, और पेट्रोल जो जल जाती है, फिर करंट जो बनता है यहाँ पे, आग जो बनती है, अच्छे तरीके से इसको जला नहीं सकता और थोड़ा यहाँ पर गीला बन रह जाता है, और इनके वजह से प्लग जो है करंट ऊपर देना बंद कर देता है और ये साइड से देने लगता है। ये गीला हो ये प्लग जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो एक तो मैंने बताया कि प्लग जो ख़राब होगी वो अगर आपकी गाड़ी का इंजन का रिंग पिस्टन डाउन कर गई, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि रिंग पिस्टन क्या होता है, अगर रिंग पिस्टन डाउन कर गई, पीछे सेंसर के जरिए से धुआं मारता है, तो उसके जरिए से स्पार्क प्लग ख़राब हो गई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये अगर आप ही मैंने नया लगाया और फिर चार कदम चले, दस कदम चले, फिर से ख़राब हो गई, या फिर कल फिर से ख़राब हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर जैसे कि इसकी जो बाइक की जो बार बार स्पार्क प्लग ख़राब हो रही थी, मैंने उसको सही किया, उसका तो गाड़ी धुआं भी मार रहा है और साथ में उसका जो है कंप्रेसर भी डाउन कर रहा है। ठीक है, उसका कंप्रेसर जो है वो डाउन कर रहा है। तो अगर इस तरह की कंप्लेन आती है रोज़ रोज़ अगर स्पार्क प्लग ख़राब हो जाती है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इसके आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारी गाड़ी धुआं मार रही है नहीं मार रही है। अगर धुआं मार रही है तो फिर आपको ये चेक करना चाहिए कि इसका जो टाइमिंग टैपिट होता है, इंजन के हेड के ऊपर जो टैपिट होता है, वो कहीं टायर तो नहीं है, कंप्रेसर लूज तो नहीं है, किक जो है मतलब वो अगर फ्री जाता हो और आपकी गाड़ी में सेल्फ हो, सेल्फ जिसमें होती है वो तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, और किक के जैसे जल्दी स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ वाली गाड़ी अगर कंप्रेसर डाउन भी रहता है तो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको टैपिट चेक करना चाहिए। टैपिट अगर टाइट होगी तो उसके वजह से पेट्रोल वहाँ पे ओवर हो जाता है, कंप्रेसर बन नहीं पाता है, वहाँ पे रोक नहीं पाता है, जो पावर है वहाँ पे बना नहीं पाता है, और वो फिर प्लग को शॉर्ट कर देता है, वहाँ पे पेट्रोल भी रुक जाती है और सही तरीके से जल नहीं पाती, खपत नहीं हो पाती है, और साथ में इंजन से जो ऑयल आ रहा है वो भी आके इसके ऊपर पड़ गया, इसी वजह से करंट यहाँ से मिस होने लगता है और स्पार्क प्लग काम करना बंद कर देता है, स्पार्क प्लग हमें पता चलता है कि ख़राब हो गई। अब इसके बाद दोस्तों स्पार्क प्लग जो ख़राब होता है, अगर आपके गाड़ी में स्पार्क प्लग डुप्लीकेट लगा हुआ है तो हो सकता है कि डुप्लीकेट प्लग लगाने की वजह से ही स्पार्क प्लग आपकी ख़राब होती हो। और तीसरा जो होता है बाइक ओवरफुल,
जिस गाड़ी में कार्बोरेटर होती है, कार्बोरेटर अगर ज़्यादा पुराना हो चुका है, 10 से 11 साल हो चुका है, जैसे का कार्बोरेटर के नीचे से पेट्रोल ओवर हो जाता है, गिर जाता है, तो उनके वजह से भी ये प्लग ख़राब होगी। क्योंकि पेट्रोल जब ओवर होता है और जब किक मारते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल कार्बोरेटर में होने की वजह से उसके ऊपर से वहाँ पर एक्सीलेटर स्लाइड में चला जाता है, और स्लाइड के जरिए से जैसे ही एक्सीलेटर खींचते हैं तो वो ज़्यादा पेट्रोल ओवर होकर हेड में पहुँच जाती है, और ज़्यादा पेट्रोल होने की वजह से ही यहाँ पे गीलापन आ जाता है और ये काम करना बंद कर देता है। यानी कि अगर देखा जाए तो हम जैसे कि हम सभी मैकेनिक लोग कहते हैं कि प्लग जो है वो इसको ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं चाहिए और कम पेट्रोल भी नहीं चाहिए। अगर कम पेट्रोल मिलता है तो गाड़ी मिसिंग करने लगती है, अगर ज़्यादा पेट्रोल मिलता है तो प्लग शॉर्ट करने लगता है। तो यानी कि तीन तरीका है प्लग शॉर्ट होने का, एक तो अगर गाड़ी सफ़ेद धुआं मार रही है उसके वजह से, और अगर इनमें से चार तरीका है यार, देखो, एक अगर ब्लैक स्मोक जैसे कि पेट्रोल ज़्यादा खा रहा है, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है तो उसके वजह से भी प्लग में क्या होता है, ज़्यादा कार्बन मिल जाता है। मान के चलो अगर आप चौक में चलाते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा कार्बन मिल जाता है, पूरा धुआं बन जाता है, और उसके वजह से प्लग काम करना बंद कर देता है। तो आपको ये, अब मैं आपको बता दूँ पहचानने का क्या तरीका है। अगर ये जो स्पार्क प्लग है ये अगर गीलापन रहता है, अगर आपको लगे ये गीलापन है, तो आप इससे पहले ये देखें कि गाड़ी आपकी धुआं तो नहीं मार रही है। अगर धुआं मार रही होगी तो उसके वजह से ये गीलापन होता है और उसके वजह से ही प्लग शॉर्ट हो रहा है, और आप उसको सही कराएं। इसके अंदर गाड़ियों के अंदर जो रिंग पिस्टन होती है आप उसे चेंज कराइए, उसको सही कीजिए, इंजन को बनवाइए। अगर आपको लगता है हमारी गाड़ी धुआं नहीं मार रही है, वाइट स्मोक नहीं दे रही सेंसर के जरिए से, लेकिन हमारी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, तो आप स्पार्क प्लग को खोल कर देखें। अगर ये पूरा धुआं से भरा हुआ होता है, जैसे कि घर की जो दिया वगैरह होती है उसको अगर हम जलाते हैं, उसके ऊपर कोई बर्तन रखते हैं तो धुआं बन जाता है ना, उसी प्रकार इसके ऊपर धुआं बना हुआ रहेगा अगर पेट्रोल ज़्यादा खाएगा। तो आप उसके हिसाब से पेट्रोल को सही कराइए, हो सकता है बाल टाइट हो, बाल का जो बाल लीकेज प्रॉब्लम हो, हेड का काम कराए, या फिर कार्बोरेटर का सेटिंग कराए, या चौक वगैरह चेक करवाएं, यानी कि पेट्रोल जहाँ से भी ज़्यादा खा रही है उसको सही करवाएं। तीसरा ये है कि अगर आपकी गाड़ी ओवरफ्लो हो रही है, आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी अगर हम पेट्रोल को ऑन रखते हैं, गाड़ी की जो पेट्रोल टी होती है उसको अगर हम ऑन रखते हैं, गाड़ी को खड़ी करते हैं, तो कार्बोरेटर के नीचे से पेट्रोल गिरने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको सही कराइए, उसके वजह से भी आपकी गाड़ी का जो प्लग है वो ख़राब हो रही है। और चौथा जो मैंने बताया आपको, कंप्रेसर जैसे कि बाल टाइट रह गई और उनके वजह से पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो पाती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। पेट्रोल तो जैसे हम गाड़ी स्टार्ट मारेंगे तो पेट्रोल तो हमारा जाता ही रहेगा, कार्बोरेटर के जरिए से पेट्रोल जाना बंद नहीं होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो वो जाता है, जितना हम किक मारेंगे उतना पेट्रोल जाती रहेगी कार्बोरेटर के साथ। और फिर अगर करंट सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही है, या फिर वहाँ पे प्लग काम नहीं करता, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, उनके वजह से प्लग गीला होने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और प्लग चेंज करना पड़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से प्लग आपको बार बार प्लग ख़राब होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें आपको चेक करना चाहिए जा सकता है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।